रुड़की की कांग्रेस सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और हरीश रावत के काफी नजदीकी चौधरी राजेंद्र सिंह की बसपा में जाने की चर्चाओं पर उस समय विराम लग गया जब चौधरी राजेंद्र सिंह ने आनन फानन में प्रेस वार्ता बुलाकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बसपा में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। जो बसपा में जाने की खबर एक दो प्रिंट मीडिया में आई है और निराधार है। मेरा कोई दूर तक भी वास्ता नहीं है बसपा में जाने का, ना कोई मन है। और कांग्रेस की हर तरह से कारोबारी में की है, जब से अनुसार कांग्रेस में आस्था है, हरीश रावत जी में आस्था है। और चूंकि आज सब परिस्थितियों के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा, तो इसलिए कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर ये तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं जो निराधार। मैं समझता हूँ कुछ लोगों की साजिश ही है, जो समझते हैं कि विवादित होकर कहीं ना कोई नुकसान अध्यक्ष के चुनाव में होता। हरीश रावत से दूर करने की कोशिशें हरीश रावत जी के मेरे संबंध से हैं, उन्हें कोई आसानी से दूर कर ही नहीं सकता। जैसा हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके बारे में 2-3 दिन पेपरों में छपा कि ये बसपा में जा रहे हैं। आज प्रेस वार्ता करके ने कह दिया कि मेरा कोई इरादा ना था ना होगा और मैं कांग्रेसी और कांग्रेसी बनाऊंगा। गौरतलब है कि 2 दिन पहले मीडिया में चौधरी राजेंद्र सिंह के बसपा में जाने की खबरें आई थी, जिसके बाद चौधरी राजेंद्र को आज मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।